और ये जो खंभा मैं आपको दिखा रहा था अभी, सूर्य भगवान की उपस्थिति आप देख सकते हैं कैसे ऊपर की ओर बढ़ते हुए। और पक्षियों का कलरव, आकाश का रंग, ये सभी धीरे धीरे बदल चुके हैं। और यहाँ से आकाश में जो है सूर्य भगवान की स्थिति ऊपर की ओर, और जैसे मैं आपको बोल रहा था कि पक्षियों का कलरव शुरू हो जाएगा, चिड़ियाओं की चहचहाट, ये अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब आकाश के अंदर नीलापन आ चुका है, पीला प्रकाश चारों तरफ को फैल रहा है, धूप जिसको बोलते तो धूप भी निकलने लगी इस तरीके से बिल्कुल एकदम। सूर्य भगवान जो है वो मुखर होने लगे हैं। प्रकृति का ये एक बहुत ही विशेष नियम है कि जैसे ही सूर्य भगवान का उदय होगा, उदय होने के साथ ही जितने भी जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य आदि हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, उनका एक व्यवस्थित जो क्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा। पक्षी का चहचहाट आप देख रहे हैं, उनकी उड़ान देख रहे हैं, और एक व्यवस्थित क्रम जो है कि अपने खाने पीने के लिए सभी जो है वो प्रयास करने लगते हैं। वो जो क्रम रुक गया था वो क्रम फिर दोबारा से व्यवस्थित हो गया है, और एक नई ऊर्जा के साथ सभी अपने अपने गंतव्य की ओर चलने लगते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हुए अपने भरण पोषण के लिए। और जो स्थिति है अब वो ये है कि सूर्य भगवान वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और जो वो सुबह की ठंडक थी वो धीरे धीरे अब जो है उसका तापमान बढ़ेगा, क्योंकि आजकल जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री पर आ चुका है। तो सुबह भी 7 बजे 7:15 बजे के आसपास भी आप तीक्ष्णता जो सूर्य की है, उसकी जो गर्मी है, उसका अनुभव होने लगता है। अभी सुबह के 5:55 हुए हैं, 555 आप बोल सकते हैं कि 5:55
और उसके कोई 10-15 मिनट पहले से हम जो हैं देख रहे हैं कि सूर्य भगवान का जो है उदय हो चुका है। तो ये मई की स्थिति है, मई 2024 की, जब सूर्य भगवान 6 बजे से पहले निकल रहे हैं। सर्दियों में जो है आप देख ही सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है हम लोगों के लिए सूर्य भगवान के दर्शन करना। और तीक्ष्णता धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रकृति की अंदर सूर्य भगवान की छटाएं और प्रकृति की स्वयं की छटाएं भी कैसे धीरे धीरे रंग बदल रही हैं। सुबह की जो सबसे सुखद और मधुरतम स्थिति है जो मैं स्वयं महसूस करता हूँ, वो जब पक्षियों का समूह एक स्थिति के साथ में, एक अपनी भावभंगिमा के साथ में उड़ता है, एक उनके कलरव के साथ में उनकी जो स्थिति है, भाग दौड़ है, एक दूसरे के साथ जैसे एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, उनका जो क्रीड़ाएँ हैं, उनकी जो सुखद स्थिति है स्वयं की, पक्षियों की, कोई भी पक्षी सुबह के समय आप देख सकते हैं बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठा हुआ नहीं दिखाई पड़ता, वो दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, चहचहाट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई पक्षी सुबह के समय जो है वो बड़ा ही एक सुखद दृश्य है कि बहुत ही कम जो है वो जब सीरियस कोई बैठा हुआ दिखाई पड़े, और अगर बैठा भी है तो उसकी अभी एक अपनी स्थिति है। जैसे कि मुझको यहाँ एक अटारी पे एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई पड़ा है, इस अटारी पे यहाँ कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि ये कोई पक्षी है जो बैठा हुआ है। इसकी स्थिति क्या है और ये क्यों बैठा हुआ है ये खुद जाने। लेकिन ये जैसे मैं बोल रहा था कि पक्षी जो बैठे हुए हैं वो किस या फिर इधर ही एक और दिखाई पड़ रहा है इस अटारी पर। तो ये भी उड़ा, इधर सूर्य भगवान फिर अपनी पूरी भावभंगिमा के साथ में आकाश में ऊपर की ओर उठते हैं। ये उत्तर पूर्व से अगर पश्चिम की ओर चलते हैं, ये भी उत्तर है, उत्तर की तरफ आकाश जो है वो
नीला नीला हो चुका है, और मेरे साइड में अगर नीचे की साइड में दिखाऊं तो ये स्थिति है। सूर्य भगवान काफी ऊपर आ चुके हैं, और अब तो देख पाना उन सूर्य भगवान की ओर भी बड़ा नंगी आंख से बड़ा इस समय मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बहुत ही जो उनकी तीक्ष्णता है वो बढ़ चुकी है। उसका कुछ अंदाजा आप इस अवस्था से देख सकते हैं। वो जो खंभा था उसके दूसरी ओर सूर्य भगवान की स्थिति थी नीचे की ओर से, तो इस तरह से जो है सूर्य भगवान ऊपर की ओर बढ़ते हुए, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे उतना ही तीक्ष्णता बढ़ेगी, उतनी ही वातावरण की जो अंदर है वो उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, उतना ही जो है धीरे धीरे करके जो तापमान है दिन का वो बढ़ेगा। तो इस तरह से आज की सुबह का जो है सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए देख लिया है कि आकाश में कैसे नीलापन बढ़ चुका है। मोर सुबह ही सुबह बोलते हैं, इससे पहले जब सूर्य नहीं निकलता अभी भी धीरे कहीं कहीं से आवाज आई है। और आज की वीडियो के अंदर केवल इतना ही, फिर किसी दूसरे दिन आपके साथ में साझा करूंगा एक और सुबह।